सिस्टम पर सिस्टम। तू एक काम कर, तू स्कॉर्पियो ले ले, मुझे थार की दे। ये खटारा ले जाऊंगा। ओए भाई, सुबह सुबह कांड कर दिया भाई। सुबह सुबह बताऊं क्या हुआ आज तुम्हें? देखो पीछे खड़ी है थार, ठीक है। अब भाई इसने जिद भर रखी है क्यांस ने कि भैया थार नहीं लूंगा, ये थार सिर्फ मेरे लिए आई है। तो अपने चेयरमैन साहब आए जुआ जिंद लाने के लिए कि गाड़ी दे दे, चाबी नहीं दी। फिर मैं गया, मुझे नहीं दी, पापा को बोला, पापा को नहीं दी। अब भाई दादू को ले जा रहा है और बोल रहा है कि सुबह सुबह चल रहा है घूमने और गाड़ी लेके जा रहा है, तो स्पेशल मुझे ये लेके जाना पड़े। देखो ये ले जा रहा, देखो दिख रहा है, पीछे दिख रहा है। ले भाई दोनों बैठे हैं और कह रहा हूँ मुझे घुमा के लाओ, ये गाड़ी सिर्फ मेरे लिए है और मैं अपनी गाड़ी किसी को नहीं दूंगा। भाई इसने सही जिद भर रखी है भगवान का समय, हद ही कर दी बिल्कुल ही। बाकी कोई दिक्कत नहीं है गाइस, बालक क्या कह सके, हम भी बालक हैं। तो भाई अभी चल रहा है वर्कआउट करने के लिए, क्योंकि मैं जैसलमेर गया था और वहाँ पे ना मेरा वर्कआउट छूट गया 3-4 दिन का लगातार। तो कल तो मैंने वो अपना शोल्डर और लेग्स कर लिया था, आज अपना बाई ड्राई और बैक, 3 वर्कआउट और बचे, ये और कंप्लीट कर लूँ। अपने आदि भाई को फ़ोन कर दिया, ये करेंगे हम फिट विला में, क्योंकि गुरुजी वाली जिम बंद है तो एंट्री तो चल रही है। बहुत लोगों ने बोला था कहाँ गई तेरी गोल्ड जिम, कहाँ गई तेरी फिट विला जिम, यहाँ आती है कहाँ। तो है भैया अपना तो नहीं है भाई, अपना क्या है, अपना मामला बहुत केड़ा। चलो जी गाइस चलते हैं वर्कआउट करने। जी भाई देख लो इनके कारनामे देख लो भाई, भैया कल से अब तक गाड़ी से बाहर नहीं निकला मेरा भाई। दादू हाँ, इसका हैंडल सीधा कर दो। तू गाड़ी से बाहर आएगा नहीं आएगा? नहीं आऊंगा। क्यों? मैं पहले इसका हैंडल सीधा। लाओ चाबी दिखाओ। तो तुझे क्या हो गया है यार? एक मिनट रुक जाइए, हटियो, एक मिनट रुक जाना, एक मिनट गाइस। अरे अरे ये क्या कर दिया तुमने, ये क्या हो गया? एक मिनट रुक, बस ठीक है। अरे ऐसे मत कर, फिर खराब हो जाएगा। बस अब ऐसे रहने दो इसको, ठीक है। चाबी भी नहीं देगा हैं? क्यों? कहाँ से लाऊं चुपचाप चाबी? मैं, मेरे पास है चाबी, तेरे पास दोनों चाबी। अब जाओ। कहाँ को जाऊं? साइड वाली सीट पे। तेरे पैर पहुंच रहे हैं वहां तक? पहुंचाइयो पैर अपने, ले देख रहे बोने। पैर तो तेरे पहुंचते नहीं है। सामने से दिख रहा तुझे कुछ? कहाँ दिख रहा है बता। दिखता है नहीं तुझे कुछ? सुन घुमा ले जा मुझे, घुमाने ले चल मुझे। चलो चलो बस घूमने चल रहे हैं, हम जा रहे हैं। कहाँ ले जाएगा? मॉल। मॉल सिकल दे, मॉल से जीता है ना। हाँ तुझे क्या चाहिए भाई, तू बता, तू बाहर चल, चल जल्दी। हे इसको भी नहीं जाना बाहर, दोनों के दोनों ऐसे। अभी ना अच्छी थार दो भाई। भाई मैं ये कह रहा हूँ, कल से अब तक ये मान लो 23-24 घंटे हो गए होंगे गाड़ी आए हुए, और भाई गाड़ी से बाहर निकलने का नाम नहीं है भाई का। हाँ आ गया। हाँ हैं, पानी पी के आ रहा है, वापस आएगा फिर? हाँ। वापस मत आइयो। मेरी गाड़ी। तेरी गाड़ी है, ठीक भाई बैठ जाओ। गाड़ी होगी क्या होगा समझ नहीं आ रही। तो गाइस चलते हैं अपनी नवी नवी थार नू लेके। तो भाई ये है अपनी नई गाड़ी और इसको आज हम ड्राइव पे लेके चलते हैं और पूछते हैं लोगों से कैसा रिएक्शन है इस गाड़ी का। बाकी थार देखो, थार तो थार है यार, थार की ओर तो होती नहीं है। बस इसमें ना थार में एक दिक्कत है, थार मांगती है मॉडिफिकेशन, और जब तक इसमें मॉडिफिकेशन नहीं होगी तब तक ये थार थार नहीं रहेगी। और वैसे भी तुम्हें बताइए, तुम्हारे भाई के पास जो भी गाड़ी होती है वो गाड़ी नहीं है, वो एक बवाल बन जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि इस थार को भी हम बवाल ही बना दें, जैसे स्कॉर्पियो दबदबा बना दिया, थार को बवाल बना देंगे। बाकी भाई 2-4 दिन में इसकी मॉडिफिकेशन स्टार्ट करेंगे, और पहले मुझे इसकी सीट करवानी है चेंज, क्योंकि थार की ना सीट कंफर्टेबल नहीं है, और यहाँ पे एक हैंड रेस्ट लगवाना है। पहले हम अंदर अंदर से काम करवाएंगे, बाकी बाहर का काम देखेंगे, और शायद मैं व्हील गिरवाने चंडीगढ़ जाऊँ, क्योंकि चंडीगढ़ ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे एलॉय व्हील्स की वैरायटी बहुत ज़्यादा है, तो शायद हम चंडीगढ़ जाएं। बाकी जो भी होगा मैं अपडेट कर दूंगा। सो अभी हम चलते हैं एक काम पे, और काम पूरा करने के बाद आपसे मिलते हैं। डन। क्या बोलूं? बोल, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ब्लॉग। क्या बोलूं? गाइस जब से देखो थार आई है, चाबी देखो उसके हाथ में है,
चाह भी नहीं छोड़ रहा भाई अपना ये। अब तू, अरे तू यार एक काम कर, कुन्नू तू गेट खोल दे और मैं स्कॉर्पियो अंदर कर दूंगा ना, बैठेगा। अरे गेट खोल तू, तू थार, स्कॉर्पियो तो मेरी है। अरे यार क्या सुन, स्कॉर्पियो तो मेरी है, थार दे रही है क्या, थार में बैठ जाके। अरे नहीं ये क्या कर, मत कर जा, और जल्दी हट, हट भाई यार हट, ब्लॉग क्या बनाऊंगा, हट जल्दी, बुद्धि मारेगा सुन, जो मैं खराब मत बोल रहा हूँ ना, एक मिनट रुक, एक मिनट रुक, भाई भाई तू भगवान के सब यार, तो बहुत बेकार आदमी यार, ज्ञान यार, गली में सीट पे बैठो, उस सीट बैठ जल्दी आ गए, लगी 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 ना भाई, गाइस भैया अब देख लो, आप लोगों ने देख लिया होगा, ये जबरदस्ती मेरी गाड़ी में आके बैठा, अब जैसे ही ये सो जाएगा थार की चाबी लेकर थार गायब कर दूंगा। अब थार की चाबी जैसे ही मेरे हाथ में आ गई ना गेम्स, मैं थार ले जाऊंगा घुमाने के लिए। अब तो आपकी स्कॉर्पियो ले जाऊंगा। हाँ तू एक काम कर, तू स्कॉर्पियो ले ले, मुझे थार की दे, खटारा ले जाऊंगा। ओए खटा, गाड़ी खटा नहीं जाएगा, गाड़ी को अगर तू खटारा बोलेगा डिफेंडर ले जा, पर मेरी स्कॉर्पियो खटा समझ गया, सॉरी वाल सॉरी, हाँ गाड़ी के लिए कुछ नहीं जहन करूंगा भाई, गंदी हो रही है ना, अब साफ करवा दूंगा, पर खटा नहीं बोले गाड़ी को, समझ गया, गाड़ी सहन सकती थी भाई, फिर भी धूल लगी तो, धूल लगी तो तुझे तुझसे साफ करवाऊंगा, तुझसे साफ करवाऊंगा, तुझसे मेरी गाड़ी देनी पड़ेगी तो, मेरी गाड़ी देनी पड़ेगी, हाँ तो मैं तेरी गाड़ी दे दूंगा, तो मेरी गाड़ी में जबरदस्ती आके क्यों बैठा, पहले तो मुझे ये बता दे, क्योंकि आपकी पसंद थार मंगवा दी ना हमने, अब तू कल स्कूल कौन सी गाड़ी लेके जाएगा, थार और स्कॉर्पियो और डिफेंडर और इंडेवर, ले भैया पूरे काफी लेके गए जाएगा अपना भाई, अपना क्यान से यादव सिस्टम। तुझे तेरा फेवरेट गाना कौन सा है, नहीं जो तू बता रहा था मुझे, जिस गाने पे तू नाच रहा था कल, छित्तम पे छित्तम भैया, ये तोतले भाई लग गई, लग जाएगी, तेरा इलाज करवा, तेरा इलाज कर दू। चलो आज बंदर लड़ाते और जो हारेगा वो सिस्टम वाला गाने में डांस करेगा, बंदर लड़ाते हैं और जो हारेगा सिस्टम वाले पे डांस, ठीक है मैं कपड़े चेंज कर लूँ फिर करते हैं, चलो भाई सामने आ मैदान में, जल्दी आ, ये लोग बनेगा तेरे हाथ को, चलो भाई पंजे लड़ा रहे हैं गाइस, अरे सुन पहले स्टार्ट तो करन दे, स्टार्ट करन दे पहले, चल और सुन जो हारा वो यहाँ डांस करेगा, ठीक है बुआ डांस करेगा, ठीक है अब थोड़ा पीछे को चल, और जो हारा डांस करेगा ध्यान रख लियो, मैं गाना चला दूंगा फोन में, ठीक है ओके, चलो आ जा, अब काउंट कर रहा हूँ, एक हाथ से कर, दो हाथ से कर रहा हूँ, नहीं इस हाथ को हिलाक नीचे और इस हाथ से कर बस, और लूज करना है, लूज कर ला, दो हाथ, दो हाथ ला, फिर दो हाथ लगा, दो हाथ नहीं लगाने ना तुझे, एक हाथ लगा, हाँ तो एक हाथ से होता है भाई, तेरा हाथ छोटा थोड़ी, तू छोटा, तू पहले बता छोटा है बड़ा है, बड़ा है ना, तो बड़ा है तो सिर्फ एक हाथ से लड़ा, चल थोड़ा थोड़ा लूज करो, चल फिर दो हाथ, दो हाथ के देना, अब डांस कर, डांस कर, चल डांस कर, एक मिनट रुक, एक मिनट रुक, अरे ये रहा भाई, अरे ये रहा, अरे ये सॉरी भाई, अरे यार कौन चल दिया, गाना चल गया, अरे सुन ले पहले, यहाँ आ जा, अरे यहाँ ना, यहाँ डांस करेगा, गाना तो कौन सा ले हूँ, कौन सा बता, अनेक तातू वाला, अरे वो चला तू, कबूतर, कबूतर कहते हैं, मैं लड़की नहीं हूँ ना, कबूतर सुन 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 ले भाई, कबूतर ले खाया कबूतर, अरे यार तेरा फेवरेट गाना है, क्या है तेरा फेवरेट गाना, चल गया कौन खाया, मैंने ओ भाई
डांस करेगा नहीं करेगा? नहीं करेगा। एक बार और बंदर लड़ाते हैं। चल एक बार लास्ट है। ठीक है। उधर पीछे को। तेरे लिए मेरी दो उंगली काफी हैं। ठीक है। तू बच्चा है मेरे सामने। चल दो उंगली काफी मेरी। अबे तू तो पूरा हाथ चला। पूरा हाथ चला। चल। ये दो उंगली से तेरा दो दे। अरे मुझे ना ये लार क्या? अरे लूज कर चला। हैं? लूज नहीं कर सकते। लूज? क्या? क्या लूज करूँ? हाथ। हाथ को लूज करूँ? टाइट नहीं पकड़ना। तुम मेरे छाते पे पीछे को पहले। ठीक है। ठीक है। और अब क्या हारेगा? तो नाचना पड़ेगा। और अगर नहीं नाचेगा तो फिर पीट दूंगा तुझे पकड़ के। ठीक है। चल तो फिर दो हाथ के लाड़ा। नहीं दो हाथ से कुछ नहीं होता है। तू बच्चा है बड़ा है बड़े होता लातन। बच्चा है बड़ा है बड़ा। तो एक हाथ यूज कर फिर। चल एक हाथ से तो खड़ा देगा कौन बड़ा? अबे तू कुछ मांगा कुछ आ रहा भाई ये लूज कर तो लहरा दी डांस कर। चल फोन दुकान से लाता हूं। क्या कर रहे हो? हाँ एक मिनट चल एक बार और कर। अगर तू जो जो हार गया वो डांस करे एक बार और एक चांस और। ठीक है चल दो हाथ हार गया तो होने ना। चल ठीक है स्टार्ट कर। मैं दो हाथ। क्यों दो हाथ? तो मंत्री है कहीं का? मैं छोटा बच्चा हूँ। अब तू करा हो सुन ले पहले बत्ता भेज दे बत्ता भेज मत कर सुन ले पहले चलो राजस्थान गो अरे अपेल डांस। अपेल डांस एक बार डांस खड़ा हो यहीं पे रुक जा मैं लगा। चल जा तू खड़ा हो क्या पीछे खड़ा हो चलो बस ठीक है। अरे हट 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 आराम कर गाना नहीं चला। अब हो गया अब आजा चल जल्दी सामने छोटे बच्चे तो अभी तू बुआ के सामने कह रहा है कि बुआ मैं बड़ा बच्चा हूँ अब तो छोटे बच्चे पा गया चल बता। अब सुन ले पहले सुन ले चल अब लास्ट चांस है अब लास्ट चांस है अब जो लास्ट है चल तो यहाँ ऐसा हाथ रख नीचे हाथ रख यहाँ अबे हाँ यहाँ आ जा। हाँ यहाँ चल दो हाथ खिला रहा तू फिर दो हाथ लिया देख ठीक है ना। चलूं चलूं अरे ये नहीं चल मैं चला आपके बारे में फिर डांस करूँगा। तू चलाए कहला कौन सा चलाए? रुक जा एक मिनट रुक पहले रुक जा ले चला ये हाथ से बोल चला ले ठीक है बोल के चला ले नहीं चला थोड़ी देर एक मिनट रुक मैं तेरा भाई का फेवरेट सॉन्ग है भाई देख लो ये आवाज करो चल क्यों है आराम से नाच भाई सुन ऐसे नहीं भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। क्या है मुंह से सुन अरे मुंह से तो गा मुंह से गा गा एक उठ गया एक उठ गया ठीक है चल एक गाओ गाओ मुंह से गा तेज गा तेज चल अरे तेज गा तेज अरे मुंह से गा देखो जी आपका जो हारेगा वो सो जाएगा ठीक है क्या क्या मैं जीतूंगा तू जीतेगा ना अगर हार गया सो जाएगा पीछे को मुझे सोना पसंद नहीं है
जाता जा हट सो चल। अरे सुन तो ले पूरी बात तो सुन नहीं रहा तू। मजाक क्यों करते कर सुन सुन ले जो मैंने बोला है जो हारेगा वो सोएगा तू तो जीतेगा ना। हाँ चल ठीक है बेटा जो हारेगा वो सोएगा। जी भाई तो अब आते हैं मेन मुद्दे वाली बात पर। तो भाई जैसे कि आप लोगों को पता है भाई सारा मैटर एलविश भाई का बिल्कुल सॉर्ट आउट हो चुका है, पर भाई कुछ लोग ऐसे हैं ना भाई कि बीच में पिन चुभाने वाले। तो भाई एक छोटी सी बात सिर्फ उनको ये देखो तुम किसी को इतना उकसाओ मत, इतना कुछ मत करो कि भाई सामने वाला इंसान हाइपर होके तुम्हारे में हाथ दे दे। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो बेसिकली भाई छोटी सी चीज़ है, अपने भाईचारे बना के रखोगे और आपसदारी में खुश रहोगे, अपने ऊपर फोकस करोगे, गोल्स पर फोकस करोगे तो तुम्हारी लाइफ बिल्कुल स्टेबल चलेगी और तुम भी खुश रहोगे और सामने वाला इंसान भी खुश रहेगा। ठीक है तो बेफालतू में किसी में उंगली मत दो और उंगलबाजी करने का फ़ायदा भी नहीं है, सिंपल सी बात है ना। तो खुद सोच के देखो अगर आप किसी को इतना पोक करोगे और सेम चीज़ सोचो कोई इंसान आपको पोक करे वो भी 5-6 महीने 7 महीने तो आपके ऊपर क्या बीतेगी। तो जो भी हुआ है आपको ही पता है भाई, बिल्कुल सही हुआ है। और बस अब मैं ये चाहता हूँ, मैं नहीं बल्कि मेरे साथ जितने भी भाई हैं, भाईचारा है, 36 बिरादरी है, वो भी यही चाहती है कि चीज़ें जो ख़त्म हुई हैं आज ये सब कुछ यहीं ख़त्म हो जाए, अब बिल्कुल आगे कुछ भी स्टेप ना बढ़ाया जाए। और ये जितने भी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, अदर कास्ट कर रहे हैं कि यादव राजपूत, यादव जाट, गुजर, जो भी है एक्स वाई जेड कोई भी कास्ट हो, तो भाई वो सब मत करो क्योंकि यादव हो, राजपूत हो, जाट हो, पंडित हो, एक्स वाई जेड कोई भी हो, हैं तो सब भाई। ठीक है ये भाई सारी कास्ट हैं और ये अलग अलग रहेंगी तो ताकत नहीं हो पाएगी, ये एकजुट होकर रहेंगी तो ताकत हो पाएगी। समझ गए, एकजुट रहोगे तो ताकतवर रहोगे, अगर अलग अलग रहोगे तो भाई बिखर जाओगे, सिंपल सी बात है। तो भाई भाईचारा बना के रखो, खुश रहो और किसी के बहकावे में आके ना कुछ मत करो। बाकी अपने एलविश भाई को सपोर्ट करते रहो बढ़िया तरीके से। भाई किसी का और का तो कुछ कहने रहते हैं पर अपनी तरफ से और जितना मेरा भाईचारा है, जितने भाई मेरे साथ हैं, उन सबकी तरफ से हम अपने भाई के साथ तन मन और धन से हर तरीके से मजबूत खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे और हमेशा अपने भाई के सपोर्ट में हैं। तो आप लोगों से मतलब छोटी सी रिक्वेस्ट है कि भाई आप लोग भी भाई के सपोर्ट में रहो और भाई को पावर दो, बढ़िया मजबूत बना के रखो, अपना भाई लाखों में एक है। समझ रहे हो ना। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। लव यू।